अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। विंटर में स्पेशल स्किन की केयर की ज़रूरत होती है। स्किन ड्राई होने की वजह से रिंकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा पहले ही आना शुरू हो जाती हैं, तो स्किन जो है डार्क होना भी शुरू हो जाती है। धूप निकलती है, धूप सबको बहुत अच्छी लगती है, बट धूप में जाने से पहले क्या करते हैं गलती कि हम कुछ भी अपने स्किन पे एप्लीकेशन नहीं करते हैं सनब्लॉक का, जो कि हमें मस्ट लगाना चाहिए। इवन कि हम अगर घर के अंदर भी काम कर रहे हो ना, तो हमें तब भी अपनी स्किन पे सनब्लॉक लाजमी लगाना चाहिए। बट कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि हम करते हैं और जिनके करने से फिर हमें बहुत ज़्यादा बाद में सीरियस स्किन इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो आज आपके साथ जो मैं रेमेडी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और स्किन पे अगर आपकी रिंकल्स आ चुकी हैं सर्दियों में, आई थिंक सो मेरे ख्याल से ज़्यादा स्किन में जो इशू होता है वो ज़्यादा रिंकल्स का होता है, बिकॉज स्किन जो है वो हमारी ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने से जो रिंकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। तो आज आपके साथ मैं एक ज़बरदस्त किस्म की एंटी एजिंग क्रीम शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत आसानी से बनने वाली है, और जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपको उसके बहुत अच्छे ज़बरदस्त से रिजल्ट्स भी दिखने में मिलेंगे। तो सबसे पहले खूबसूरत सी बॉल ले ली है, जिसमें हमने अपनी ये इस रेमेडी को बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो हमें चाहिए लौंग, जो कि मसाले में यूज़ होते हैं। तो 1 कप पानी लेना है सॉस पैन में डालने, उसके बाद आपने उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच आप उसमें लौंग के डाल लें, ठीक है। और उसको आपने अच्छे तरीके से जोश दिलाना है, ठीक है। 5 मिनट तक आपने उसको अच्छे तरीके से पकाना है पानी को, और उसके बाद आपने उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और ये मैंने ऐसे ही किया था, ये इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया, और खुशबू भी लौंग की बहुत अच्छी आ रही है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसके हम लेंगे 3 चम्मच, 3 से 4 चम्मच, जितनी आप अपनी क्रीम बना के रखना चाहते हैं आप उतना इसमें पानी डाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए रेडी करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने लिए हैं 3 चम्मच, आप 4 भी ले सकते हो। ग्लिसरीन आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से और या मेडिकल शॉप से आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें ग्लिसरीन डाल सकते हो, या फिर आप इसमें अपना कोई भी फेवरेट ऑयल, ठीक है, कोकोनट ऑयल लाइक या बादाम का तेल, वो डाल सकती हो। मैं यहाँ पे 1 चम्मच लूँगी, 1 चम्मच ग्लिसरीन का, इसको क्रीमी टेक्सचर में लाने के लिए आप इसमें एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप इसमें फ्लेक्सी जेल, ठीक है, वो भी आप डाल सकते हो, और वो आपने इतना डालना है कि हमारा जो है ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये मैंने फ्लेक्सी जेल जो है ये बनाकर रखा हुआ था घर में, और वही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। देख सकते हो हमारी जो क्रीम है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, आई होप तो आपको नज़र आ रही हो। ये जो है आपको मैं थोड़ा सा दिखाई देती हूँ, ये देख सकते हो आप, अगर आपको नज़र आ जाए तो बहुत खूबसूरत सी है। इसका टेक्सचर देख सकते हो। आपने करना कैसे है इसको अप्लाई, कि आपने रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करना है, वॉश करने के बाद आपने इस क्रीम को अपनी स्किन पे लगाना है और हल्के हाथों से अपनी स्किन पे मसाज करना है, ठीक है। मसाज करने के बाद आपने ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। अगर आप अपनी कोई क्रीम भी लगाना चाहते हैं तो वो इसके यूज़ करने के बाद आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। और सुबह अपना फेस जो है वो सिंपल पानी से या जैसे भी आप वॉश करते हो आप धो लें, आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स जो है खुद ही दिखेंगे कि आपकी रिंकल्स जो है वो रिमूव होना शुरू हो गई है, स्किन आपकी ग्लोइंग होना शुरू हो गई है, यंग दिखेंगे। तो आपको आज की ये छोटी सी प्यारी सी क्रीम जो है वो अच्छी लगी होगी बनाना, कि बहुत ही आसान है। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर भी कर दें, दो हमें याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।